झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनते ही लालू प्रसाद यादव के वार्ड में दरबार लगने की खबरों के बीच रविवार को पुलिस ने दबिश दी है। जेल आईजी और रांची के सिटी एसपी के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने रिम्स के पेइंग वार्ड को घंटों खंगाला। दरअसल लालू यादव के रिम्स में सियासी दरबार लगा जाने को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। इस दौरान लालू यादव के वार्ड की सघन जांच की गई है। जांच का जिम्मा जेल सुपरिटेंडेंट और सदर डीएसपी को सौंपा गया। आईजी ने कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही रिम्स में हर रोज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सियासी दरबार सज रहा था। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव बीमार होने की शिकायत पर रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है, जहां बिहार झारखंड के छोटे बड़े नेता उनसे मिल रहे हैं और उनसे सियासी परामर्श ले रहे हैं। लालू यादव के जनता दरबार लगाने पर जेल प्रशासन की भी मौन सहमति नजर आ रही थी, क्योंकि जेल प्रशासन की अनुमति के बगैर कोई भी लालू से मिल नहीं सकता। यही वजह है कि खुलेआम जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाने की भी बात सामने आ रही थी। मीडिया में खबरें आने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि जेल मैनुअल के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ एक दिन यानी शनिवार को ही सिर्फ 3 लोगों को लालू यादव से मिलने की इजाजत है। देखिए, जो मिलने की समय सीमा है वो शनिवार को तय की गई है। 3 लोग, ज़्यादा लोग नहीं मिल सकते हैं। तो जो भी उल्लंघन की बातें मीडिया के थ्रू सामने आई है, उसके लिए हम लोग ने डीएसपी जो सदर है उनको दिशा निर्देश दिया कि अपने स्तर से इंक्वायरी करेंगे। साथ में जो हमारे जेल सुपरिटेंडेंट है उनको भी बोला गया है कि इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। दोनों अलग अलग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके आधार पर हम लोग जो अद्यतन कार्रवाई उस पर करेंगे। हम लोग ने यहाँ इंश्योर किया है कि कोई भी आदमी किसी भी तरीके से यहाँ पर मिलने नहीं आएंगे, और किसी भी तरह से पॉलिटिकल और कोई भी जो सामाजिक आदमी भी हैं तो जब तक उनको परमिशन नहीं दी जाती है जेल सुपरिटेंडेंट के द्वारा, जो कि लीगल सिस्टम है, और तब तक हम उनको मिलने की परमिशन नहीं देंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था में कुछ फेरबदल, सुरक्षा व्यवस्था में फेरबदल इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या फेरबदल करने की जरूरत है। अगर कोई दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। फ्रंट गेट की तो सर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ है, मजबूत है, लेकिन जो बैकडोर है, जो कॉटेज की तरफ से एक रास्ता आता है, मैं अभी उस एरिया को हम लोग रेकी करने गए थे, हमारे साथ सिटी एसपी भी थे, और हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी को और इंक्रीज करने की जरूरत है। उस पर एक हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक डिटेल सिक्योरिटी प्लान जो होनी चाहिए और जो प्रोटोकॉल में वैलिडिटी जिसकी रहती है उस पर हम लोग कार्रवाई। जैसे लालू जी टहलने वाले निकलते हैं तो उस एरिया में, हाँ, सिक्योरिटी वही बताया ना कि जो एरिया गया था हमने खुद ही उसकी रेकी की है कि सिक्योरिटी के हिसाब से कैसे है, और अदरवाइज जो प्रिस्क्राइब्ड है वो कैसा है, मतलब जो रूट है, तो उसके आधार पे ही हम लोग उसकी सुरक्षा और पूछताछ की। हम लोग ने शनिवार को फिक्स कर रखा है 5 बजे शाम तक, उसके बाद से अलाउ नहीं करते हैं। और चूँकि बहुत सारी एक्सीजेंसीज रहती हैं तो उसको हम लोग देखते हैं, लेकिन जो जेल मैनुअल में उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से हम लोगों ने किसी तरह का उल्लंघन नहीं किया। अगर कोई आते जाते आम जन मिलने की कोशिश किए हैं तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इंश्योर करेंगे कि ऐसा कभी दोबारा ना हो। ठीक, थैंक यू।